हेलो दोस्तों, पिया टेक्निक कॉलेज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखेंगे Redmi Note 7 के रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस फ़ोन पर आप साइड में देख सकते हैं Redmi Note 7 बाय Xiaomi। अब इसमें आपको जो स्पेक्स मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पीछे लिखा गया है, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर जो कि बना है 14 नैनोमीटर फिनफिट प्रोसेस के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है जो कि है 6.3 इंच की, और ये फुल HD रेजोल्यूशन में आपको दी गई है। इसमें रियर में आपको मिल जाता है 12+2 मेगापिक्सल का AI ड्यूल रियर कैमरा, और इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि सपोर्ट करता है क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 4.0 को भी। कलर आप देख सकते हैं ऑनिक्स ब्लैक है, और 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी लिखी गई हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आपको ड्यूल सिम और ड्यूल स्टैंडबाय सपोर्ट मिलता है, साथ में इसमें 4G का सपोर्ट है, 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, टाइप सी रिवर्सेबल कनेक्टर है। रिवर्सेबल कनेक्टर का मतलब कि आप इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 256GB, और दोस्तों इसमें आपको MIUI ROM मिल जाती है। और यहाँ पे लिखा गया है मेड इन इंडिया, पर ध्यान रखिएगा ये इंडिया में असेंबल हुआ है, इसके पार्ट्स चाइना से ही इम्पोर्टेड हैं। तो फटाफट से इस बॉक्स को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक बॉक्स छोटा सा मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक TPU केस दिया गया है। यह हमें TPU केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी है। इसमें आपको कुछ पैम्पलेट्स दिए गए हैं, और इसमें आपको कुछ और पैम्पलेट्स भी मिल जाते हैं जो कि है इसकी क्विक गाइड, जिसमें आपको इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं। इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल दिया गया है जो कि राउंड शेप में हमें मिल जाता है, जो कि आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा। ये हमारा हैंडसेट है, और इस पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है सेम टू सेम जो बॉक्स के ऊपर लिखी गई थी। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। तो ये है USB केबल, और आपको यहाँ दिख रहा होगा टाइप सी केबल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि 5V 2A पे काम करता है। ये फास्ट चार्जर नहीं है, ये नॉर्मल चार्जर है जो आपको हर Redmi डिवाइसेस के साथ में मिलता है। तो दोस्तों, यही बॉक्स कंटेंट आते हैं इस फोन के साथ में। अब हम फोन को ले लेते हैं। अब इस फोन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन मिल जाता है, इसी के नीचे आपको पावर बटन मिल जाता है। रियर में आप देख सकते हैं आपको 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये जो डिज़ाइन है थोड़ा थोड़ा ओनर के फ़ोन जैसा लगता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे आपको दो ग्रिल्स दी गई हैं स्पीकर की, पर स्पीकर जो है वो सिर्फ एक के अंदर है, दूसरा सिर्फ डिज़ाइन के तौर पे दिया गया है। और इसके अंदर आपको एक माइक मिल जाता है, और यहाँ भी एक माइक दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, इसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको फ्रंट और बैक में दोनों तरफ ही गार्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, साथ में इस पर लेयर दी गई है 2.5D कर्व्ड ग्लास की। तो फ़ोन को हम रिबूट कर लेते हैं। तक ये फ़ोन हमारा रिबूट होता है, इस पर से मैं ये लेयर हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, और हैंड में काफ़ी कम्फर्टली आपके ये आ जाता है, और जबकि ये 6.3 इंच का है। तो फ़ोन को फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस पे जो आपको डिस्प्ले दी गई है ये LTPS डिस्प्ले है जो कि होता है लो टेम्परेचर पॉली सिलिकॉन LCD। और इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि आपको काफ़ी अच्छा पिक्चर रेजोल्यूशन मिलता है इस डिस्प्ले पे। जैसे कि AMOLED डिस्प्ले पे आपको मिलता है हायर पिक्चर कॉन्ट्रास्ट
वैसे इस पे आपको मिलता है हायर पिक्चर रेजोल्यूशन, और इस डिस्प्ले का जो रेशियो है वो है 19:5:9, और इस पे जो आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है वो है 409, और इसकी जो ब्राइटनेस है 415 निट्स तक जाती है, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फ़ोन पे कंटेंट को पढ़ने में। देख सकते हैं फ़ोन हमारा सेटअप हो गया है ऑलमोस्ट, तो देखिए ऐड आ चुका है, देख सकते हैं काफ़ी शार्प डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ तो भी आप इस पर शायद कंटेंट पढ़ पा रहे होंगे। तो साइड से भी आपको इस डिस्प्ले पे कुछ देखने पे कुछ पढ़ने पे परेशानी नहीं होगी। फटाफट से हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको कौन सा वर्जन मिलता है MIUI का। यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 7 मॉडल नंबर लिखा गया है, एंड्रॉयड वर्जन है 9, और इसमें आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है 5 जनवरी 2019 का, और इसमें आपको MIUI वर्जन मिलता है MIUI ग्लोबल 10.2 स्टेबल का 10.2.6.0 वर्जन, और आप देख सकते हैं यह 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और इसमें आपको फ्री इंटरनल स्टोरेज मिलती है 21.74GB यानी 21.74GB अवेलेबल है 32GB में से, और देख सकते हैं ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि क्लॉक्ड है 2.2GHz पे। अब फटाफट से दोस्तों इसके कैमरा को हम टेस्ट कर लेते हैं, और आपको जैसा कि मैंने बताया रियर में इसमें मिलता है 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है f2.2। हालांकि Redmi को इसमें अपर्चर देना चाहिए था 1.8 या फिर 1.9 या फिर f2.0, बट इन्होंने दिया है अपर्चर f2.2 का। दोस्तों इसके अंदर आपको AI के सभी फीचर्स मिल जाते हैं, फटाफट से सेटिंग्स में चेक कर लेते हैं कि ये हायर कैमरा रेजोल्यूशन पे है या नहीं है। तो पिक्चर हाई पे सेट है, 16:9 रेशो में कर देते हैं, मिरर ऑलरेडी ऑन है, एंटी बैंडिंग ऑटो पे कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको फीचर्स दिए गए हैं, सबसे पहले फ़ोटो है, फिर वीडियो है, फिर शॉर्ट वीडियो का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और अगर हम दूसरी साइड में चलते हैं तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्वायर मोड आ जाता है, पैनोरामा भी आता है, और साथ में बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको प्रो मोड मिल जाता है जिसके अंदर आप वाइट बैलेंस, फोकल लेंथ और शटर स्पीड और ISO चारों ही चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो। हालांकि अभी तक जितने भी Redmi Note सीरीज थे उनमें आपको फुल मैनुअल मोड नहीं मिलता था, तो अब आपको इस मॉडल से फुल मैनुअल मोड मिलेगा Redmi सीरीज में भी। अब फटाफट से एक फ़ोटो सैंपल ले लेता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं इमेज का जो कलर है सेम टू सेम है, और डिटेलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों एक पोर्ट्रेट मोड में इमेज ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो पोर्ट्रेट में मैंने इमेज ली है इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं एजेस तो काफ़ी अच्छे से ब्लर हैं और काफ़ी रियल लग रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉट ऑन Redmi Note 7 मीडियल कैमरा। तो पोर्ट्रेट मोड भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है और आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिलती है। फटाफट से मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। वीडियो में आप इसमें शूट कर पाएंगे 1080p 30fps पे और 60fps पे। इसके अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है आपको, इसमें EIS का सपोर्ट है, आप स्लो मोशन भी कर सकते हैं 120fps पे। तो यही ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके वीडियो मोड में। अब चलते हैं इसके फ्रंट कैमरा पे और इसकी सेटिंग्स में जाके हम चेक कर लेते हैं कि ये भी हायर पे सेलेक्टेड है या नहीं, तो इसे भी हम 16:9 में कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। ब्यूटिफिकेशन मोड यहाँ पे डिसेबल है, और फटाफट से एक इमेज ले लेते हैं, तो दोस्तों देख लीजिए इसमें जो हमको क्लैरिटी मिलती है, हालांकि ये जो वर्ड्स हैं थोड़े से ब्लर हो गए हैं, इस पर डिटेलिंग आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है, यानी इमेज शार्प नहीं है जिसके कारण इस पर डिटेल हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अगर मैं फेस पे जाऊं
तो आप देख सकते हैं ज़्यादा इसे जूम करने पे आप देख पाएंगे कि जो पिक्सल्स हैं वो फट रहे हैं, यानी आपको अच्छी डिटेलिंग नहीं मिलती है। पर दोस्तों ये इसका इनिशियल यानी फर्स्ट इम्प्रेशन है, आगे देखेंगे इसके कैमरा रिव्यू में कि ये कितना इम्प्रूव्ड है और कितनी अच्छी इमेजेस हमें मिलती हैं। एक पोर्ट्रेट इमेज भी ले लेते हैं। तो देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर इसने फेस पे अच्छे से काम किया है, पर हेयर जो हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्लर हो गए हैं, यानी एज डिटेक्शन इतना खास नहीं है। और अगर कैमरे के ऊपर देखूँ तो आप देख सकते हैं कैमरा जो है वो पूरा ब्लर हो चुका है, यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे विजिबल हैं, बाकी सब ब्लर हो गया है। तो देख लीजिए ये है इसका इनिशियल इम्प्रेशन। अगर आप चाहें तो मैं एक और शॉट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो हेयर के कुछ पार्ट हैं ये ब्लर हो चुके हैं, यानी एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है, बट ये दोस्तों इनिशियल इम्प्रेशन है। आगे फुल रिव्यू में इसको टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा जो है वो भी ब्लर हो गया है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम इशू था, इस वाले में तो और ज़्यादा ब्लर हो गया। बाकी देख लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा में और क्या क्या ऑप्शन है। ये फोटो मोड है, ये वीडियो मोड है, ये है शॉर्ट वीडियो मोड। वापस स्लाइड करते हैं, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैनोरोमा। और पैनोरोमा और जो प्रो मोड है वो आप सिर्फ रियर कैमरा में ही यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका इनिशियल इम्प्रेशन। साथ ही आपको इसमें एक LED लाइट नोटिफिकेशन मिल जाती है जो कि सिंगल वाइट कलर में मिलती है, और वो यहाँ नीचे आपको मिलेगी दोस्तों। साथ ही इस बॉडी पे आपको मिलती है P2i की नैनो कोटिंग, जिससे कि आपका ये फ़ोन डस्ट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ है, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है। साथ ही इस फ़ोन में आपको काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स मिलेंगे जिसे आप डिलीट कर सकते हैं, जिनमें से मैंने दो ब्लॉटवेयर रख रखे हैं जो कि है फेसबुक और अमेज़ॉन। सेटिंग में आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स भी मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो फ्री रैम आपको मिलती है 3 GB में से वो है 1.3 GB, जब इसमें कोई भी अदर ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है, जैसे कि कोई हाई गेम्स या फिर अदर एप्लीकेशंस सिवाय फेसबुक और अमेज़ॉन ऐप के, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका रैम मैनेजमेंट कैसा है, बट मेरे हिसाब से इसका रैम मैनेजमेंट अच्छा ही रहेगा दोस्तों। 3 GB रैम 32 GB वेरिएंट मुझे पड़ा 9,999 रुपये का, और यही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर इससे हायर वेरिएंट आप लेते हैं 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, तो वो आपको पड़ता है 12,000 रुपये में, यानी 11,999 रुपये प्राइस है। पर दोस्तों वो लेने से बढ़िया 2,000 रुपये और मिलाइए और Redmi Note 7 Pro लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर सकूं। साथ ही आपको इसका गेमिंग परफॉर्मेंस वीडियो आज ही देखने को मिलेगा, जो कि मैं PUBG और Asphalt 9 दोनों के साथ आपको दिखाऊंगा। और साथ ही आपको इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि आपको कैसी स्पीड मिलती है और कैसा ये काम करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।